ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। शिक्षा विभाग ने नए साल में मुकदमों से तौबा करने का फैसला कर लिया है। अब शिक्षकों की समस्याओं को उनके कार्यस्थलों पर ही निपटाने का फैसला लिया गया है। इसके साथ पारा शिक्षकों को नियुक्ति का भी फैसला लिया गया है। स्कूली शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने कहा है कि शिक्षा विभाग नए साल में उन सारी समस्याओं का बारीकी से निपटारा करेगा जो शिक्षा विभाग की कार्य क्षमता पर असर डालते हैं। वह चाहे शिक्षकों की समस्या हो या फिर छात्र छात्राओं की। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग के सभी कर्मचारियों का भी ख्याल रखा जाएगा। इतना समस्या है उसका हम लोग निदान कर रहे हैं उसी को, वो शिक्षक का संबंधित हो छात्र का संबंधित हो, ताकि दोनों मिलेंगे तो गुणवत्ता शिक्षा प्राप्त होगी। इसलिए उसमें हम लोग को काम कर रहे हैं, उसमें कितना पेंडिंग इश्यूज है वो सब कुछ कर हम लोग निष्पादन कर लेंगे। इस साल मई जून तक राज्य में 12,000 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति कर ली जाएगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से मिले दिशा निर्देश के आलोक में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। इसी अगला 5 महीने में हम लोग टारगेट रखा है लगभग 1200 टीचर का नियुक्ति करने के लिए। हम लोग मई जून तक 1200 टीचर का नियुक्ति कर लेंगे। वो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया चल रही है। उसमें हम लोग का 2 सोर्सेस है, एक टीजीटी वाला मतलब सुप्रीम कोर्ट का निष्पादन हो गया, उसमें लगभग 800-900 टीचर प्राप्त होगी। फिर उसके बाद हम लोग का SOE इसके लिए केंद्रीय विद्यालय पैटर्न में 3,000 करना है। इसलिए अगला 4-5 महीने में हम लोग 1200 टीचर का नियुक्ति करेंगे, उनका भी हम लोग ज्वाइन भी करवा लेंगे। अदालती मुकदमों से परेशान शिक्षा विभाग चाहता है कि शिक्षकों की समस्या को उनके ही जिले में निपटारा कर दिया जाए। इसके लिए एक अलग से सेल का निर्माण किया गया है। ये इसी विभाग में बहुत केस है, इसी कारण से इसी विभाग का पदाधिकारी की समय बर्बाद होती है। उसके लिए हम लोग इसका निष्पादन कर रहे हैं। कहाँ समस्या है वहीं पर हम लोग को जाके उसी का निष्पादन कर देंगे, वो भी मामला कोर्ट में नहीं जाएगी। साथ साथ में इसका एक अलग सेल भी गठन किया जा रहा है, उसमें वो 6 लीगल ऑफिसर है, 2 कर्मचारी उसमें रहेंगे उसमें। इसलिए एक एक केस का निष्पादन करते हुए हम लोग करेंगे। उम्मीद की जाने चाहिए कि शिक्षा विभाग नए साल में नई लकीर खींचने में कामयाब हो। वर्ष 2023 का नया साल शिक्षा विभाग में शिक्षक नियुक्ति का साल होगा। न सिर्फ शिक्षकों के पद बल्कि कई ऐसे पद रिक्त हैं जिसे जल्द भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। साथ ही शिक्षकों को अदालती मुकदमों से राहत देने के लिए शिक्षा विभाग जल्द एक बड़ा सेल बनाने वाला है। करमन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज 11, रांची। शिक्षा विभाग ने कहा है कि अब शिक्षकों की समस्याएं जो भी है उनका निपटारा भी कार्यस्थल पर ही होगा और साथ ही साथ पारा शिक्षकों की भी नियुक्ति की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय लाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जी अजय लाल, शिक्षा विभाग जो है एक नया जो है अपना रही है कि शिक्षकों की कोई भी समस्या हो उसका कार्यस्थल पर ही निपटारा किया जाएगा। देखिए फैसल, सबसे बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में शिक्षा विभाग कम से कम 12,000 से ज्यादा मुकदमा झेल रहा है। इन मुकदमों की शुरुआत ऐसे हुई कि शिक्षकों की छोटी छोटी समस्याएं हुआ करती थी, जीरो में उसका निपटारा नहीं हुआ। लिहाजा तमाम शिकायतें सचिवालय में चली आई और उसके बाद अदालत के दरवाजे तक चला गया। लिहाजा नए साल में शिक्षा विभाग ने कहा है कि कोई अब नया मुकदमा ना हो इसका ख्याल रखा जाएगा। लिहाजा शिक्षा विभाग में एक सेल बनाने की बात सामने आ रही है। इसमें 6 ऐसे लोग रहेंगे जो लीगल जानकारी जिनके पास होगी और शिक्षकों की तमाम समस्याएं वहीं सुनी जाएगी। क्या वो चाहते हैं, उनकी समस्या क्या है, उसका निपटारा होगा, निपटारा होगा तो कब तक होगा, कौन सी समस्या ऐसी है जो शिक्षकों को ज्यादा परेशान कर रही है। क्योंकि कोशिश ये है कि मुकदमों का जो बाढ़ आया हुआ शिक्षा विभाग में उसे रोका जा सके। और दूसरी अहम बात यह है कि मई जून तक 12,000 सहायक अध्यापक यानी कि 12,000 पारा शिक्षकों की नियुक्ति शिक्षा विभाग करेगा। ऐसा इसलिए हुआ है कि जो नियमित नियुक्ति होनी थी शिक्षा विभाग में वो जो बना हुआ था नियोजन नीति राज्य सरकार का, उसे माननीय हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। लिहाजा कोशिश ये हो रही है कि नियमित नियुक्ति होने तक कम से कम शिक्षकों की जो संख्या है उसे भर दिया जाए,
बच्चे प्रभावित ना हो शिक्षकों के द्वारा, ये कोशिश हो रही है फैसल। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सब सही कहा कि जिस तरह से शिक्षकों की जो भी मुकदमे हो लंबित पड़ी हुई है, आपने एक आंकड़ा भी बताया कि तकरीबन 12,000 जो मुकदमे हैं लंबित पड़े हुए हैं, इसलिए अब ये शिक्षा विभाग की पहल है कि जो भी समस्याएं शिक्षकों की है और शिक्षा विभाग की जो भी समस्या उत्पन्न होगी उसका अब कार्यस्थल पर ही निपटारा कर दिया जाएगा। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका अजय। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।